चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 लोग हम लोग हो गए। टाइम सबको याद नहीं रहता है क्या, तो समझ ही नहीं आता। अच्छा आपका तो रिक्वेस्ट ही नहीं आया था। अच्छा चल स्टार्ट करते हैं। तो हमने 3.5 का लिखवा दिया था या लिखवाना था? अच्छा चलो नहीं लिखो तो लिखो भाई। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कंटेन, कितना कंटेन करता था बताओ? हाँ पूरा पूरा एक टी ट्रैक है ना, ए टी ट्रैक एंड 18 सेक्टर्स, 18 सेक्टर्स सेक्टर एंड टी सेक्टर, टी सेक्टर क्या रखा था बोलो? 1.4 512 बाइट। तो टोटल मेमोरी एरिया 1.44 MB लिख लीजिए, जिनका रह गया था छूट गया था उसका तो लिखवा दिया था कि 3 उसका 360 बाइट होता है, स्पेस भी होता है टोटल। यस सर, यस सर। ठीक लिखे इसको, उसके बाद आगे करते हैं। इट इज इजली रप्चर so that we have to take care of it. ये आसानी से रप्चर मतलब टूट फूट जाता है, इसको अच्छे से रखना पड़ता है। बताऊं ऊपर वाला? यस सर। सर It must be in dust-free environment so that to use it for long time. डस्ट वाले एनवायरनमेंट से दूर रखना है इसको, क्योंकि तो बता दिया था क्या होता है उससे गड़बड़ी। ट्रांसफर वाला लिखवा दिया था कि एक जगह से दूसरे जगह तक सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर करने के लिए इसे यूज करते हैं, नहीं लिखे हो तो लिख लो। नहीं सर। ठीक है लिखवा देते हैं। It is used to transfer software. चलो सॉफ्टवेयर को ऐसे भी लिखते हैं, लिख रहा है, और हार्डवेयर को ऐसे, तो कहीं दिख जाए तो ऐसा मत समझना क्या लिख दिया। It is used to transfer software from computer to
another. It is the only medium at that time to transfer our data. Okay, sir. अच्छा, ये तो लिखवाने का जरूरत है क्या कि रिमूवेबल होता था? अब ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है तो ऑब्वियसली बात लिख लो यार, एक बार लिख लो. इट इज रिमूवेबल. करें अगला? यस सर, हो गया. यस सर. ठीक, आज हम लोग अब करेंगे मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क. ठीक है ना, याद आ रहा है? एक पढ़ाए थे मैग्नेटिक टेप, तो गड़बड़ा मत जाना. ये मैग्नेटिक टेप दूसरा था, ये मैग्नेटिक डिस्क दूसरा है. ठीक है, पर बहुत हद तक कंसेप्ट वही यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा इसको पता है. मैग्नेटिक डिस्क कैसे बनाए? फ्लॉपी डिस्क और ये जो मैग्नेटिक टेप था, इन दोनों के फीचर को लेके एक मैग्नेटिक डिस्क बना दिया. दिखाते हैं कैसे. ठीक है ना, अब जैसे आपको बताया था कि फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट होता है. इस तरीके से रहेगा और ये क्या होता है जी, ये सर गोल गोल क्या होता है? हाँ, ये आपका जो गोल गोल घूम रहा है ये क्या है? ट्रैक है. और ये हमारा सेक्टर है. ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन आपका मैग्नेटिक डिस्क में भी रहता है. ठीक है, यही ऑर्गेनाइजेशन मैग्नेटिक डिस्क में ही रहता है. बस फर्क क्या हो जाता है कि जैसे समझो कि जैसे हमारा ये फ्लॉपी डिस्क था, उसमें क्या होता था कि एक ही लगा होता था ऐसा गोल चक्री. मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा लगा होता है. अब सोचो कि जितना ज्यादा ये वाला चीज लगा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका मेमोरी होगा. समझ रहे हो? अच्छा, सोचने वाली बात है कि ये इस तरीके का एक पे मान लो कि आप 2 GB रख सकते हो. ठीक है, एक ऐसा गोल चक्री पे आप 2 GB का डेटा रख सकते हो. ठीक है, तो आपको 128 GB वाला ये चाहिए हार्ड डिस्क ड्राइव. तो जरा बताओ तो कितना नंबर ऑफ प्लेट्स होगा? क्या 64 प्लेट. क्लियर है जी? पता चला कैसे? अरे 128 GB वाला हमारा हार्ड डिस्क है. yes, एक एक जो प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर 2 GB रह रहा है. तो 128 GB रखने के लिए 64. अब क्या वो पढ़ा है क्या यूनिटरी मेथड? नहीं सर, कि 2 GB चाहिए एक प्लेट के लिए, इसलिए एक प्लेट. अब ये सब मत कहो. ठीक है, 64 प्लेट है ना, पता चल रहा है. अब उसी तरीके से जैसे जैसे आपको हार्ड डिस्क का साइज बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ प्लेट क्या करते जाइएगा? बढ़ाते जाइएगा. हाँ, और फिर बाद में क्या हुआ कि यही प्लेट का आकार छोटा भी कर दिया, और साथ में अब ये जो 2 GB रखा रहा था, इसी पे 4 GB रखने लग गया. तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तो डबल कर लिया. तो इतने ही साइज पे ये कितना रख देगा? इसका डबल साइज.
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 256 GB का हार्ड डिस्क बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर, यस सर, 56 हो गया ना। तो यही मटेरियल सब में यूज होगा आपका, मैग्नेटिक डिस्क जितना भी देखेंगे ना उन सब में यही मैकेनिज्म, यही प्लेट आपका यूज होता है। डिपेंड करता है कि प्लेट, एक प्लेट के ऊपर आप कितना चीजों को रख सकते हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्लेट उसके अंदर रखा रहता है। बात समझ में आया? यस सर। बेटा ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इस पे इतना ही रहेगा सर, जो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि मैं पूरा का पूरा एक बार में नहीं पढ़ूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसके बाद लिखते चलेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर होगा भी नहीं, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट तो हम फ्लॉपी डिस्क में अपना कवर कर चुके हैं कुछ अपना टाइम, तो इसलिए एक दिन में कवर होगा नहीं, इसको 2 दिन लग जाएगा कम से कम, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक डिस्क इज अ पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। अच्छा बताओ सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर, पता चलता है ना, बताया थे जी कि प्राइमरी में कौन होता है, रैम रोम, रैम रोम, और सेकेंडरी में क्या होता है आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब किस में आता है? सेकेंडरी में। सेकेंडरी नाम सीधा समझो ये चीज कि जो आपका डेटा को बाद में भी सुरक्षित रखता है आपके यूज के लिए, वो है कौन? सेकेंडरी स्टोरेज। हाँ क्लियर है। अब चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इट हैज थिन सर्कुलर प्लेट, ये जो अभी मैंने बताया था, दिखाया था अभी, क्या एन ई सॉरी 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 गलती हो गई, माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम गलती से लिख दी मैग्नेटिक, ठीक है। कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, इट हैज थिन सर्कुलर प्लेट मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक, विच इज कोटेड ऑन both sides with magnetized material like iron oxide। बात समझ में आया? ये क्या होगा, पतला सा सर्कुलर प्लेट होगा जो कि मेटल का बना हो सकता है, अब मेटल अब यूज नहीं होता है, प्लास्टिक का यूज होता है, और प्लास्टिक विच इज कोटेड ऑन बोथ साइड, मतलब ये जो हम गोल गोल बना रहे थे, अब इसमें क्या होगा, ये जो प्लेट, सोचो एक ऐसा प्लेट है तो प्लेट के इस साइड पे भी चलेगा ऐसे, मतलब रखने का काम, इस पे भी डेटा रख पाएंगे और प्लेट के इस साइड पे भी डेटा रख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है ना, ये प्लेट को ऐसे उठा लो तो ऐसे दिखेगा, तो इसके ऊपर में भी पूरे पे डेटा हम लोग रख पाएंगे और इसके नीचे पे भी पूरा डेटा रख पाएंगे, तो यही लिखा हुआ है, विच इज कोटेड ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कोटिंग करता है ताकि दोनों पे हम लोग क्या कर सके, अपने डेटा को रख सके। किससे भाई? मैग्नेटाइज मटेरियल से, जिसका एक एग्जांपल क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड। मिटाऊं उसे पहले? लिख लिख लो, लिख लो क्या सर? यस सर।
data is stored on magnetized and non-magnetized spot, that is 1 and 0. तो मैग्नेटाइज स्पॉट कौन होगा? 1, और नॉन मैग्नेटाइज कौन होगा? 0. ठीक है, तो डेटा इज स्टोर ऑन मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट, दैट इज 0 and 1. जैसे जहां पे हमारा नॉन मैग्नेटाइज पार्ट होगा वहां पे हमारा 0 होगा, मतलब कुछ भी डेटा वहां पे रखा नहीं होगा. क्लियर है? यस सर. अगला लिखिए, we can read and write information on the disk and erase it and again write different data many times. मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस पर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क के ऊपर. आप इसको क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और बार बार उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं. क्लियर है? यस सर. चलो अब इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं. अब थोड़ा अच्छा लिख लेते क्या जी? यस सर. Yes, हो गया सर. ठीक ठीक, बड़े फास्ट हो गए आप लोग. हम गलती करते हैं, हमको भी पता है, वैसे ही पढ़ा देना चाहिए. वो क्या बोलते हैं, वो पीपीटी से एकदम आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है. समझाते हैं, लिखवाते हैं, एक ही काम को इतनी बारी. चलो देखो देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है. अब याद करो कि बहुत पहले टाइम पे अपने सीडी को रखने के लिए एक ऐसा देखा होगा कि इस तरीके से राउंड सरफेस जैसा बना होता था, इसके ऊपर ऐसा शाफ्ट सा बना होता था. ठीक है, और इसी शाफ्ट के ऊपर हम लोग क्या रखते जाते थे, इस तरीके से सीडी को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाते थे. याद आ रहा है? याद आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? यस सर. ऐसा मटेरियल रहता था, उसके अंदर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीडी रखते जाते थे. यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, आपके हार्ड डिस्क नहीं अपना है. ठीक है, अब देखो इसमें कैसे किया. ये जो है ना, यही आपका प्लेट है जिसको कि आप लोग सीडी समझा रहे हैं अभी. देखिए इसमें क्या होगा, फिगर थोड़ा सा समझ लेना भाई, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रॉ होने का उम्मीद मेरे से करने में. ये है, ये आपका क्या है, सेंट्रल शाफ्ट. इसी के ऊपर पूरा का पूरा चीज टिका होता है. ठीक है, इसी सेंट्रल शाफ्ट के ऊपर जितने भी आपका जो वो प्लेट्स लगे होंगे, ये सब किसके ऊपर होगा, इसी के ऊपर लगा होगा. ठीक है, तो इसमें से कुछ प्लेट हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, तो एक प्लेट को अरेंज करते हैं यहां पे. कैसे बनाने, मेरे को बनाने भी नहीं आ रहा. देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे ही समझ लो, ये एक प्लेट रखा है, उसी तरीके से दो प्लेट रखा है और ये तीसरा प्लेट रखा हुआ. ठीक है, ये आपका तीन प्लेट का मैं हार्ड ड्राइव बना रहा हूँ. ठीक है, तो समझ लेना, आप तीन है तो तीस तो रखा ही सकता है. तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ. ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्लेट है.
ठीक है जी। अब देखो, अब इधर साइड में पहले बना लेने दो आराम से। ठीक है, ये जो बना है आपका, यही आपका रीड राइट हेड है। अब सोच रहे हो क्या बना दिए सर। तो देखिए, अभी बताए थे कि एक जो प्लेट होगा इसके ऊपर पे भी हमारा क्या रहता है, मैग्नेटाइज मटेरियल पे, और नीचे भी क्या रहता है, मैग्नेटाइज मटेरियल। अब दोनों ही पार्ट पे ना हम लोग को लिखना है। तो सोचिए, कोई डेटा आपका इस प्लेट के ऊपरी वाले हिस्से, तो क्या करेगा, रीड राइट हेड ये वाला क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा और शुरू करेगा। और सबसे पहले जो रीड राइट हेड है ना, समझो ध्यान से, जो सबसे पहले जो रीड राइट हेड है वो कहाँ जाएगा, ट्रैक के ऊपर। मतलब मान लो, ध्यान से समझना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, हर एक प्लेट के लिए दो दो रीड राइट हेड बनाया हुआ है, देखो तो दो दो है बनाया हुआ। अब जरा समझना, ये वाला जो है ये कहाँ का डेटा रीड राइट करेगा, इस प्लेट के ऊपर वाले सरफेस का पूरा। ये वाला जो रीड राइट हेड है कहाँ का करेगा, इसके जस्ट नीचे वाले का। सेम उसी तरीके से ये वाला इसके ऊपर का, ये इसके नीचे का, ये इसके ऊपर का, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब जरा समझो, मुझे डेटा को राइट करना किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। और मान लो वो जगह ये है, ये एक जगह है स्पॉट, मान लो यहाँ पे हमको डेटा रीड राइट करना है। तो जरा बताओ तो, और ये अपर साइड है, तो क्या यही वाला रीड राइट हेड नहीं मूव करेगा, ये वाला? और ये कैसे मूव करेगा, जरा ध्यान से समझना। ये क्या करेगा, ये जैसे आपका प्लेट बना हुआ है, तो इस प्लेट में बहुत सारे अभी तुरंत भरे हैं, इस तरीके से बहुत सारा बना होगा, और ऐसे ऐसे भी बना होगा ना। अब जरा समझो कि इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे जाके डेटा को राइट करना है, इस जगह पे। तो ये रीड राइट हेड क्या करेगा, मूव करेगा इधर की तरफ। और मूव करने के बाद देखो, यहाँ पे तो बहुत सारा ट्रैक है ना, सब पे नहीं जाएगा, वो सर्च करेगा कि किस ट्रैक के ऊपर हमारा डेटा रखना है। तो वो पहुंचेगा सीधा इधर से घूमते घूमते, यहां से रीड राइट हेड मूव करेगा, मूव करते करते पहुंचा यहां। तो ये जो दिख रहा है आपको ट्रैक, ये वाला, ये जो ट्रैक दिख रहा है, इस ट्रैक के ऊपर क्या हुआ, रीड राइट हेड सबसे पहले पहुंचा। बात समझ में आए जी यहां तक? यस सर। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, क्योंकि देखो ये बात समझ में आ गया तो अगले दिन का जो कहानी है ना, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम, इसी से समझ आएगा। नहीं तो उस टाइम पे पता ना चलेगा क्या बोल रहे हैं सर। तो ये समझ गए वो समझ आ जाएगा, इसलिए मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो प्लेट है इसके इस पार्ट में हमको डेटा रखना। तो ये क्या करेगा, रीड राइट हेड घूमता हुआ यहां से ऐसे घूमता जाएगा, और घूमते घूमते पहुंचेगा कहां पे, जहां पे भी रखना है डेटा, उसके जस्ट बाहर वाले ट्रैक के ऊपर। कहां पहुंचेगा सबसे पहले, ट्रैक के ऊपर, ये जो गोल घूम रहा है उसके। अब क्या करेगा, इस ट्रैक के कौन से सेक्टर पे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5, अगर इस फिगर के अनुसार देखे तो कम से कम 5 सेक्टर तो है ना हमारे पास इस ट्रैक। तो भैया पांचों पे थोड़े रखना है,
हमको तो इस वाले पे रखना है, तो वो देखेगा कि रीड राइट, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है बार बार एकदम घूमता जा रहा है स्पीड, ये जो है ये चीज जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ऐसा राउंड राउंड घूमता जा रहा है, लगातार। और ये क्या आया, रीड राइट हेड एकदम से यहाँ पे पहुंचा, पहुंचने के बाद अब ये घूमता तो जा ही रहा है लगातार, अब वो पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा कि भाई यहाँ पे हमको रखना है डेटा, वहां पे गया और उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर हमारा क्या कर दिया, डेटा को रख दिया, ठीक है। और रखने के बाद अब फिर से ये क्या करेगा, वापस अपने जगह पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया ना आपका, तो काम कंप्लीट हो गया, फिर से रिडायरेक्टेड वापस अपने जगह पे चला गया। तो जरा समझिएगा, आज ही समझा रहा हूँ ये लाइन, क्योंकि कल तक आपको याद रहेगा कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट है। समझिएगा जो तीन पॉइंट मैंने बोला, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और डेटा ट्रांसफर टाइम, ध्यान से समझना है। पहले क्या बोला मैंने, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और डेटा ट्रांसफर टाइम। तो देखो सीक टाइम किसको कहते हैं, ध्यान से समझो, सीक टाइम किसको कहते हैं, अगर किसी रीड राइट हेड को मूव करते हुए जिस भी पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचना है उस ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उस रीड राइट हेड को, उसी को क्या कहा जाएगा, सीक टाइम। फिर से रिपीट करूं, इस रीड राइट हेड को मूव करते हुए इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आने में जो वक्त लगा उसको क्या बोला हमने, सीक टाइम। बात क्लियर है यहाँ तक, सीक टाइम। यस सर। अब आते हैं लेटेंसी पे, लेटेंसी किसको कहते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर तक जाने में रीड राइट हेड को जो समय लगा उसको क्या बोला, क्या बोला, पता चला। देखो अब कितना, देखो कितना सिंपल हो गया, रीड राइट हेड मूव किया, मूव करते हुए ट्रैक तक पहुंचा, सीक टाइम। ट्रैक तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद वो पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचा, लेटेंसी टाइम। तो लेटेंसी टाइम किसको कहेंगे, जरा ध्यान से समझना, गलती मत कर, इस ट्रैक से इस सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको लेटेंसी टाइम कहेंगे। ऐसा नहीं कि रीड राइट हेड को मूव करते हुए यहाँ ट्रैक पे फिर सेक्टर, इसको लेटेंसी टाइम नहीं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ इससे ये जो हमारा गोल गोल सा दिख रहा है ट्रैक, इस ट्रैक से सेक्टर तक आने में जो टाइम, पता चला। yes, और डेटा ट्रांसफर टाइम किसको कहेंगे, जब हम क्या करेंगे, इस रीड राइट हेड को घूमते हुए पहले ट्रैक पे जाना, उसके बाद उस ट्रैक से उठ के किसी सेक्टर तक पहुंचना, उस सेक्टर तक पहुंच के डेटा को रीड करना या फिर राइट करना, करने के बाद अपना वापस आ गया, इसमें जो टोटल टाइम लगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा ट्रांसफर टाइम। पता चला तीनों टर्म? यस सर। बोलो तीनों में कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, अगले दिन नहीं पूछना। ना ना दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए कुछ पूछना है, कोई सवाल? हाँ बिल्कुल घूमता रहेगा, एकदम घूमता रहेगा। बिल्कुल आप पूछो ना जी, कितना टाइम लगता है घूमने में उसको, एक जो मिनिमम जो सबसे खराब से खराब होता है, जो सबसे खराब जो होता है ना हार्डेस्ट गाइड, वो कम से कम तो अभी 3600 आरपीएम होता है, जो सबसे खराब से खराब होता है, जो बहुत पहले टाइम पे आया करता था। एक बार सोचो कि एक मिनट में वो कितनी बारी घूमेगा, ये ऐसे 3600 बार,
3600 बार घूमेगा, आपको पता भी चलेगा जी कि किस स्पीड से घूमता है उसको। तो इसे बिल्कुल बिल्कुल आप याद करो, कोई भी चीज जब डेटा जब ट्रांसफर करते हो तो देखते नहीं हो ऐसे से जाता है, देखते हैं ना, इसी वजह से एक वो एक बारी में नहीं चला जाता है, वो एक करता है फिर जाता है फिर जाता है, क्योंकि जब तक किसी को तो लगातार घूम रहा है ना, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे राइट करना तो रुक के बैठ जाएगा कि भाई रुक के रहो बैठे रहो, नहीं बैठेगा वो तो घूमता ही रहेगा लगातार। तो जैसे राइट होता है आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा राइट हो जाएगा। ये आपको पता इसलिए नहीं चल पाता है ना, क्योंकि इतना फास्ट होता है आजकल का कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सोचो ना जी कि एक मिनट में ये गोल चक्कर है 3600 बार लगा है, तो कितना फास्ट है, और आजकल वाला तो क्या पता है कि 10,000 बार तक लगा, आजकल का जो आ रहा है हार्ड ड्राइव 10,000 चक्कर लगा रहा है एक मिनट में। अब सोच लो 60 सेकेंड में 10,000 बार चक्कर लगा पा रहे हैं, अब कितना फास्ट होगा, अब मेजर कर पाएंगे समझे, इस वजह से आपको पता नहीं चल पाता। बात समझ आया?